केले बहुत अच्छे हैं और लंबे भी हैं। अरे हाँ हाँ, मैं घर पर अकेले रहता हूँ, कोई नहीं है मेरे घर पर, अगर कोई आ जाए तो मजा ही आ जाए। चल कोई बात नहीं, मैं केले लेके आता हूँ, लंबे केले। ये क्या बदतमीजी है, तुम फोन पे कैसी घटिया बातें कर रहे थे? लंबे केले, घर पे कोई अकेला है, तुम क्या सोचे? तुम ऐसी बातें करोगे और मैं तुम्हारे साथ चलती बनूंगी? मैं ना ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे एक मिनट मैडम, क्या हो गया, आप पैसे को रिएक्ट कर रही हो? मेरे ख्याल से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तेरी बातें सुनी है मैंने, मुझे देख देख कर कैसी घटिया बातें कर रहा था, लंबे केले ले रहा हूँ, और हाँ घर पे कोई नहीं है, कोई आ जाए तो मजा आ जाए। मैडम आप गलत समझ रही हो। अरे क्या हुआ मैडम, लपंटर छेड़ रहा है क्या आपको? अरे ओ भाई, तू क्यों बीच में आ गया? जहाँ लड़की देखी नहीं, बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हो। निकल यहाँ से, हमारा मैटर ना हम सॉल्व कर लेंगे। देखो मैडम आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, तुमको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुमको क्या लगता है ऐसी बातें करोगे तो मैं डर के चली जाऊंगी? मेरा भाई ना पुलिस में, अभी अंदर करवा दूंगी। क्या मैम आप पुलिस पुलिस लेकर आने लगी, आपको पता भी सच क्या है? मुझे ना सच का बहुत अच्छे से पता है, तूने सोचा ऐसी बातें करूंगा हर लड़की फंस जाएगी, है ना? अभी ना पूरे बाजार को शोर मचा के इकट्ठा कर दूं, फिर तेरा जो हाल होगा ना उसे पता चलेगा। अरे बस करो मैडम, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको पता सच क्या है? अच्छा बता, क्यों देख रहा था? आपकी गगन से जो काला तेल है ना, हां हां केला ले लिया है मैंने, लंबे केले हैं। हां यार घर पे तो अकेला ही हूं मैं, कोई नहीं रहता मेरे साथ, अगर कोई आ जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ हाँ केला लेके आ रहा हूँ। आपकी गर्दन पे जो काला तिल है ना, ऐसा ही तिल मेरी बड़ी बहन के गर्दन पे भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार किया करता था। जैसे मैंने आपकी गर्दन पे वो तिल देखा तो मुझे अपनी बड़ी बहन याद आ गई। मैं आज भी उसको बहुत मिस करता हूँ। और रही बात घर पर अकेले रहने की, तो जो ऊपर वाला फ्लोर है ना उस पर किराएदार रहा करते थे, अब वो घर पे नहीं रहते हैं, तो मुझे घर पे अकेलापन रहता है, इसलिए मैंने कहा अपने दोस्त से या तो किराएदार मिले तो उसे भेज दियो, कम से कम कोई तो साथ में रहेगा। हर एक केले तो मैं अपने दोस्तों को ले लेके जा रहा था, उन्हें पता है कि मुझे अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आ जा, मेरे साथ रह लियो। लेकिन आप तो इतना उल्टा सीधा सोचने लगी मेरे बारे में। वैसे मैडम एक बात तो आपने सही साबित करी थी कि लड़कियाँ ना हमेशा गलत ही सोचती हैं लड़कों के बारे में। अरे हर लड़का गलत नहीं होता है, थोड़ा अपनी सोच को बदलो मैडम।